नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। जिस देश में चाय बेचने वाला गरीब बच्चा देश की कमान संभालते हुए एक दिन प्रधानमंत्री बन जाता है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहां सबसे पहला बजट किस शख्स ने पेश किया होगा? बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी और जानकर हैरानी भी होगी कि देश का पहला बजट पेश करने वाला भी साधारण सा टोपी बेचने वाला एक शख्स था। पेश एक रिपोर्ट। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023 पेश करने जा रही हैं। वहीं एक सवाल जो हर किसी के जहन में आ रहा है वो यही कि आखिर भारत का पहला बजट किसने पेश किया होगा। आपके इन्हीं सवालों का जवाब हम देने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे देश का पहला बजट आज से सालों पहले ही पेश किया जा चुका था। बजट का इतिहास देश में आजादी से भी पुराना है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, जबकि पहला बजट इससे कई साल पहले यानी कि साल 1860 में ही पेश हो चुका था। देश का पहला बजट आजादी से कई सालों पहले ही पेश किया जा चुका था। इस बजट को पेश करने वाला शख्स बेहद ही साधारण होकर यानी कि असाधारण शक्तियों वाला था। इनका नाम जेम्स विल्सन था। जेम्स टोपी बेचने वाले परिवार से संबंध रखते थे। जी हाँ, हमारे देश का पहला बजट सालों पहले पेश हुआ था और जिसने पेश किया था वो एक साधारण शख्स था और उसका परिवार टोपी बेचा करता था। बजट का इतिहास देश में आजादी से भी पुराना है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जबकि पहला बजट साल 1860 में ही पेश हो चुका था। दरअसल पहला बजट जेम्स विल्सन नाम के एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री ने पेश किया था। उनका संबंध एक टोपी बेचने वाले परिवार से था। बचपन में जेम्स विल्सन खुद भी इसी काम को करते थे, लेकिन उनकी असाधारण शक्तियों के बदौलत वे अपने जीवन के इस मुकाम पर पहुंचे कि उन्हें देश का पहला बजट पेश करने का अवसर मिला। जेम्स विल्सन के विषय में कहा जाता है कि उनकी रुचि अर्थशास्त्र और वाणिज्य में थी। साल 1860 में जेम्स विल्सन इंडियन काउंसिल के वित्त सदस्य के पद पर थे। देश का पहला बजट पेश करने के अलावा जेम्स विल्सन का नाम चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। जेम्स विल्सन की गिनती इतिहास के महान अर्थशास्त्रियों में होती है। उनके अद्भुत ज्ञान को देखते हुए ही वे भारत की आजादी से 100 साल पहले ही सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद पर नियुक्त किए जा चुके थे। जेम्स साल 1860 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी जरूर करें। उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।